The complete book of the Marine Aquarium. The complete book of the Marine Aquarium is a fully accessible and groundbreaking reference book, which provides expert advice on how to achieve just this. Hi, welcome to Seascapes. Namaskar, मैं अभिषेक चौधरी, founder and CEO, Seascapes Creative Aquarium Private Limited. आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में. नाइट्राइट बढ़ जाने से हीमोग्लोबिन चेंज हो जाता है मेथाग्लोबिन में. मेथाग्लोबिन खून का ही एक अलग पार्ट है जो ऑक्सीजन कैरी नहीं करता है, वेयर एज मेथाग्लोबिन इज अनेबल टू कैरी ऑक्सीजन. हमारा जो आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, दैट इज नाइट्रेट. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक, वेलकम टू आवर अनदर एपिसोड एंड दैट इज एपिसोड नंबर 11. आज का जो एपिसोड है ये बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है. दैट इज द नेक्स्ट स्टेप. मीन्स अब तक हम अपने सीरीज में एक्वेरियम बनाना, एक्वेरियम सजाना, वाटर प्रिपरेशन करना, फिल्ट्रेशन बनाना, वाटर का पैरामीटर 9th और 10th एपिसोड में वाटर का पैरामीटर बैलेंस करना, हमारा जो नाइट्रिफिकेशन साइकिल है, बायोलॉजिकल बैक्टीरिया का वो क्या, सब कुछ जान चुके हैं, सब कुछ सीख लिए हैं. अब अगला स्टेप क्या आता है? अगला स्टेप वो स्टेप है जिस स्टेप के लिए आप मरीन बनाए हो. दैट इज द मेन इंटरेस्टिंग पार्ट, इंट्रोड्यूसिंग द फिश, इंट्रोड्यूसिंग द इनवर्टिबेट, इंट्रोड्यूसिंग द लाइफ आइटम. यू कैन से फाइनली वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूसिंग द लाइफ, द विजिबल लाइफ ऑफ मरीन एक्वेरियम. यस, यहां पर मैं विजिबल लाइफ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लाइफ तो उस दिन से मरीन एक्वेरियम में आपका एड हो चुका है जिस दिन से आप पानी भरे हो. इन फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है. जिस दिन आप लाइफ सैंड, लाइफ रॉक डाले हो, उसी दिन से लाइफ ऐड हो चुका है. आज जो लाइफ आप ऐड करने जा रहे हो, दैट इज द विजिबल लाइफ. माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनविजिबल लाइफ, वो इनविजिबल प्राणी है, जीव है, जो जीव तो है लेकिन आप देख नहीं सकते. और आज हम जानबूझ के अपने मर्जी से विजिबल लाइफ ऐड करने जा रहे हैं, दैट इज फिश, इनवर्टिबेट्स. आज हम जानेंगे कि मरीन एक्वेरियम में कैसे फिश को ऐड किया जाता है, कौन से फिश को ऐड किया जाता है, या कब फिश को ऐड किया जाता है, या कितने फिश को ऐड किया जाता है, कितने टैंक में, कितने बड़े साइज में, कितने ज़्यादा पानी में कितना फिश रहना चाहिए, रखना चाहिए, या किस तरह से फिशेस को इंट्रोड्यूस करना चाहिए या इन्वर्टिबेट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ये सारे चीज़ को आज हम जानेंगे फ्रॉम द कम्प्लीट बुक ऑफ द मरीन एक्वेरियम. अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, बेल आइकन को जरूर दबाएं, सो दैट हमारा वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंचे. जैसा कि आप जानते हो कि हमारा ये सीरीज वर्ल्ड का इकलौता अनोखा सीरीज है अपने आप में, जो एवरीथिंग अबाउट मरीन एक्वेरियम के बारे में जानकारी देने के लिए हम आए हैं. इस एपिसोड में हम जानेंगे अबाउट मरीन फिशेस एंड इट्स इंट्रोडक्शन. यहाँ से लाइव फिशेस की स्टार्ट हो रही है आपके टैंक में. लेट्स बिगिन. स्टॉकिंग विथ फिशेस एंड इनवर्टिब्रेट्स. फिशेस आर एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ सॉल्ट वाटर एक्वेरियम. दे आर अट्रैक्टिव, कलरफुल एंड ब्रिंग मूवमेंट एंड एक्स्ट्रा इंटरेस्ट
to the aquarium. They are the torch bearer for this hobby, attracting newcomers who sometimes find their color alone irresistible. Without fish, an aquarium is not complete. जी हाँ, मरीन एक्वेरियम हो या फ्रेश वाटर एक्वेरियम हो, बिना मछली के तो वो कंप्लीट कभी हो ही नहीं सकते। अब जितना भी इन्वर्टिबेट डाल दो या कुछ भी डाल दो, फिशेस का जो कलरेशन है, फिशेस का जो मूवमेंट है, फिशेस की जो चंचलता है, फिशेस का जो कोऑर्डिनेशन है आपके साथ हमारे साथ, ये कोऑर्डिनेशन के बगैर ये हॉबी कंप्लीट नहीं होता है। तो अब तक हमारा टैंक रेडी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, पानी रेडी हो चुका है, पानी सेट हो चुका है। नाउ टुडे इज़ द टाइम टू रिलीज द न्यू फिशेस टू आवर टैंक। तो बहुत लोग हमसे पूछते हैं, आपका बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि हम अपने टैंक में कितना फिशेस रखें, कितने टैंक में, कितने वाटर वॉल्यूम में क्या क्या फिशेस रखें या कितना फिशेस रखें। यहाँ पर एक रीफ एक्वेरियम में 4 इंच टोटल फिश लेंथ, मतलब टोटल 4 इंच का फिश, अगर 1 इंच का फिश हो तो 4 पीस, 2 इंच का हो तो 2 पीस, और अगर 4 इंच का ही मछली हो तो 1 पीस। टोटल 4 इंच का मछली पर 100 लीटर मरीन एक्वेरियम विद सिलेक्टेड इन्वर्टिबेट्स। अगर आपका मरीन एक्वेरियम में सिलेक्टेड इन्वर्टिबेट है, बहुत ज़्यादा कोरल रीफ या बहुत ज़्यादा नहीं है इन्वर्टिबेट नहीं है, वहाँ पर आप 6 इंच का एक फिश पर 100 लीटर में रख सकते हो। 6 इंच का एक फिश रख सकते हो, या तो फिर 3 इंच का 2 फिश रख सकते हो, या तो 2 इंच का 3 फिश रख सकते हो, या 1-1 इंच का 6 फिश रख सकते हो, या इसी तरह के कॉम्बिनेशन में टोटल मछली का लेंथ होना है 6 इंच। अगर फिश ओनली मरीन एक्वेरियम है तो यहाँ पर आप थोड़ा फिशेस ज़्यादा रख सकते हो। 8 इंच ऑफ टोटल फिश लेंथ पर 100 लीटर ऑफ एक्वेरियम वाटर, मतलब अगर 100 लीटर का एक्वेरियम टैंक है, मान लीजिए मेरा ये जो टैंक है ये 100 लीटर का टैंक है, यहाँ पर आप 8 इंच का फिश रख सकते हो, मतलब 1-1 इंच का 8 फिश रख सकते हो, 2-2 इंच का 4 फिश रख सकते हो। इस तरह यहाँ पर ये 100 लीटर का अगर आपका छोटा नैनो मेरिन टैंक है, यहाँ पर आप 2 इंच का 4 फिश रख सकते हो अगर फिश ओनली है तो। सो दैट इज़ द ऑप्टिमम लेवल। अगर इस ऑप्टिमम लेवल में अगर आप फिश रखोगे तो आपका नाइट्रेट प्रॉब्लम, फॉस्फेट प्रॉब्लम, एमोनिया अमोनियम का प्रॉब्लम नहीं होगा। इस पानी के वॉल्यूम के हिसाब से आपका बैक्टीरियल मैनेजमेंट, बैक्टीरियल साइकिल, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंडिया में बहुत ज़्यादा टैंक में प्रॉब्लम होते हैं ओनली ड्यू टू द ओवर स्टॉकिंग ऑफ द फिश। यहाँ पर 2 इंच का 4 फिश रखना नियम है, 4 की जगह हम 6 रख दें, मैक्सिमम 4 की जगह हम 7 से 8 रख दें 2 इंच का, तो भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन लोग इसी टैंक में अगर 2 इंच का जहाँ 4 रखना है वहाँ पर अगर आप 10-15 रख दो तो प्रॉब्लम तो होगा ही, बहुत ज़्यादा होगा। तो दैट इज़ द मेन फैक्टर ऑफ प्रॉब्लम। इसलिए मरीन एक्वेरियम में कहा जाता है कि आप जितना बड़ा मरीन एक्वेरियम बनाना पॉसिबल हो आप उतना बड़ा बनाइए, भले ही मछली आप कम रखिए, लेकिन जितना बड़ा मरीन एक्वेरियम बनाएंगे, मछली कम रखेंगे, प्रॉब्लम ही नहीं होगा, वो ऑटोमेशन में चला जाएगा, वो सिस्टम ही ऑटोमेटिक में चला जाएगा, ऑटोमेटिक वो सिस्टम अपने आप को मेंटेन करता रहेगा। अब आ जाते हैं फिश को हम किस तरह एक्लिमेट करें और क्यों एक्लिमेट करें। आप जानते हो एक्लिमेटेशन एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, हमको एक्लिमेट करके छोड़ना है, पर क्यों एक्लिमेट करके छोड़ना है ये जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर वी एक्लिमेट। एक्लिमेट क्यों करेंगे, ये जो एक्लिमेटेशन आप देखते हो, ड्रिपिंग प्रोसेस है, ये देखते हो, ये हम क्यों करेंगे। आई एम क्वाइट श्योर इंडिया में शायद ही कोई इंसान जानता है कि एक्लिमेट करना क्यों पड़ता है। कहने को लोग कह देते हैं टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए, अरे टेम्परेचर के लिए तो आप पैकेट भी डुबा के रख दो तो हो जाता है। कहने के लिए लोग देते हैं वाटर पैरामीटर बैलेंस करने के लिए, पैरामीटर तो वैसे बैलेंस होता ही नहीं है। ओरिजिनली एक्लिमेटेशन करने की वजह है, दैट इज़ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर वी एक्लिमेट द फिश। वॉट इज़ ऑस्मोसिस, ये ऑस्मोसिस क्या है। When a semi-permeable membrane separated a low concentrated solution from a higher concentrated solution, water molecule will move through the membrane from the low to high solution in an attempt to equalize it. मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ साधारण भाषा में। मछली के शरीर में कुछ मेम्ब्रेन होते हैं, स्किन में कुछ लेयर होता है, जो मेम्ब्रेन क्या करते हैं, मछली के शरीर के अंदर की जो फ्लूइड है और मछली जो पानी में है वो भी एक फ्लूइड है, ये दोनों फ्लूइड को बैलेंस करता है।
अगर शरीर के अंदर का फ्लूइड भारी है और बाहर का फ्लूइड हल्का है, जैसे फ्रेश वाटर में बाहर का फ्लूइड हल्का होता है, पानी लेस डेंस होता है, हल्का होता है, और मछली के अंदर के शरीर का फ्लूइड भारी होता है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स रहता है, तो स्किन से पानी फ्लड आउट ना हो जाए, मतलब मछली के स्किन से पानी मछली के अंदर ना घुस जाए, शरीर के अंदर ना घुस जाए, वहाँ पर कुछ मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ स्केल होते हैं, जो स्केल्स होते हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस रखते हैं, इस ऑस्मोसिज्म को बैलेंस रखते हैं। वेरेज इन सॉल्ट वाटर मरीन में इसका रिवर्स होता है। फ्रेश वाटर में क्या होता है, बॉडी फ्लूइड, बॉडी जो मिनरल है वो थोड़ा ज़्यादा हेवी होता है सराउंडिंग वाटर के कंपेरिजन में, सो दैट शरीर के अंदर का जो एनर्जी है वो बाहर के पानी को अंदर घुसने नहीं देता है। इसीलिए आप देखेंगे फ्रेश वाटर के जो भी फिशेस है, फ्रेश वाटर के फिशेस में जो स्केल होता है वो काफ़ी मोटा होता है, वो जो स्केल्स होते हैं उनके। फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में क्या होता है, फ्रेश वाटर में बाहर के बॉडी फ्लूइड को, बाहर के पानी को, बाहर के फ्लूइड को मतलब बाहर के साफ पानी को, फ्रेश वाटर को शरीर के अंदर, मछली के शरीर के अंदर घुसने नहीं दिया जाता है, बॉडी वार्म उसे रोक देता है। सॉल्ट वाटर में क्या होता है, शरीर के अंदर का फ्लूइड कम डेंस होता है, बाहर का पानी ज़्यादा डेंस होता है, और शरीर के अंदर का ही फ्लूइड को बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, बाहर निकलने से रोका जाता है, ताकि शरीर के अंदर का फ्लूइड कम डेंस है और बाहर का पानी बहुत ज़्यादा डेंस होने की वजह से यहाँ पर एक मेम्ब्रेन काम करता है कि अंदर का पानी को बाहर निकलने ना दिया जाए। यहाँ पर फ्रेश वाटर में क्या होता है, फिशेस बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं और बहुत ज़्यादा यूरिन करते हैं। मरीन में क्या होते हैं, मरीन में वो थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद बहुत ही कंसंट्रेटेड यूरिन छोड़ते हैं। मरीन वाटर के फिशेस का किडनी और गिल स्पेशली डिज़ाइन होते हैं, वो सॉल्ट वाटर इंटेक करते हैं, पानी को छान के, किडनी पानी को छान के शरीर में रख देता है और सॉल्ट को, कंसंट्रेटेड सॉल्ट को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। फ्रेश वाटर के फिशेस क्या करते हैं, पानी पीते हैं, मिनरल को छान के अंदर रख देते हैं और पानी को बाहर निकाल देते हैं। सॉल्ट वाटर में क्या करते हैं, फिशेस पानी को पीते हैं, पानी को छान के अंदर रख देते हैं, किडनी फिल्टर करके पानी को अंदर रख देता है और कंसंट्रेटेड सॉल्ट को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह फिशेस अपने बॉडी फ्लूइड को रेगुलेट करता है, बॉडी फ्लूइड के द्वारा बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है, इसी को ऑस्मोटिक रेगुलेशन कहते हैं। जैसे आप मछली को लेके धराक से एक पानी से उठा के दूसरे पानी में आप डाल देते हो, यहाँ पर ऑस्मोटिक शॉक मिलता है, मतलब पानी का जो प्रेशर है, पानी का जो डेंसिटी का जो प्रेशर है, ऑस्मोटिक जो प्रेशर है, ये ऑस्मोटिक शॉक कहते हैं। ये फ्लूइड एक्सचेंज में अचानक से फ्लूइड इनटेक या एक्सेल हो जाता है शरीर में, अचानक से ऑस्मोटिक शॉक हो जाने की वजह से अक्सर मछली मर जाता है, जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं कि मछली को अचानक से स्ट्रोक हो गया, मछली को छोड़े मछली अचानक से शॉक हो गया, स्ट्रोक हो गया, ये ड्यू टू द चेंज इन ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ चूजिंग द फिश एंड इनवर्टिब्रेट्स, यहाँ पर आप क्या फिश रखोगे, कब कौन सा फिश रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका फिश ओनली टैंक है तो पहले से आपको प्लान कर लेना है कि आप क्या क्या फिश रखने वाले हैं, उस प्लान के हिसाब से पहले आप लोअर फिश टू हायर फिश जाओगे। पहले आप थोड़ा लोअर फिश में गए जो ईजी कीपिंग है, बहुत ही हार्डी है, ईजी टू मेंटेन है, इस तरह का फिश आप डाले, धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करती है पानी के मैच्योरेशन के साथ, धीरे धीरे आपको अपग्रेड करते हुए अच्छे फिशेस की तरफ जाना है और बेहतर फिशेस की तरफ, डेलीगेटेड फिशेस की तरफ जाना है। यहाँ पर एक चीज़ है, अगर आपका फिश ओनली टैंक है और वहाँ पर आप सिलेक्शन कर लिए रीफ का फिशेस, तो आपके टैंक में वो जिंदा नहीं है, और अगर आपका रीफ टैंक है वहाँ पर आप फिश ओनली के कुछ फिशेस सिलेक्ट कर लिए, तो आपका सारा रीफ डैमेज कर दिया जाएगा, वो फिश डैमेज कर देगा। इसलिए सिलेक्शन ऑफ द फिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन ऑफ द फिश इटसेल्फ इज अ वास्ट चैप्टर, वो हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे। यहाँ पर जस्ट हम एक टचअप दे दिए कि आप किस तरह से फिश को सिलेक्ट करोगे। हम इसे अगले कुछ एपिसोड में कवर करेंगे कि कौन कौन सा फिश फिश ओनली है, कौन कौन सा फिश रीफ का है, कौन सा फिश बिगिनर का है, कौन सा फिश एक्सपर्ट का है, विद अलॉन्ग विद द फिश का वीडियो और कैरेक्टरिस्टिक देकर हम इसका अलग से एपिसोड बनाएंगे। अगर आपके पास कुछ फिशेज जो आपके टैंक में रहने वाला ही नहीं है, अगर वो फिश आप डाल दो तो आपको फेल होना ही होना है, और कोई भी फिशेस जो एक दूसरे के साथ नहीं रहता है, फाइटिंग करता है या एक दूसरे को मार देता है, मान लीजिए एक बड़ा सा ग्रुपर डाले, ग्रुपर के साथ आप छोटा सा डैमसेल डाले, तो जाहिर है ग्रुपर डैमसेल को खा जाएगा। तो इस तरह का सिलेक्शन ऑफ द फिश इज की फैक्टर, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसके साथ क्या रहेगा कंफर्टेबिलिटी चार्ट, और कौन सा फिश को पहले डालना है, कौन से फिश को बाद में डालना है,
ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप फिश को सिलेक्ट करोगे। नाउ टाइप ऑफ फूड, किस तरह के आप खाना दोगे मछली को। पहला तो बहुत सारा फ्लेक है, ग्रैनुअल है, उस तरह का आप खाना दे सकते हो। बहुत सारा फ्रोजन फूड है, वो फ्रोजन फूड आप दे सकते हो। बहुत तरह के आर्टिफिशियल फूड भी है, बहुत तरह के नेचुरल फूड भी है, बहुत तरह के वेजीज है फूड में आपको लेटुस लीफ दे सकते हो। बहुत सारे अलग अलग वेजीज है, वो वेजीज दे सकते हो। कुछ फ्रूट्स आप दे सकते हो। सो आप ऑल्टरनेटिव, जितना ऑल्टरनेटिव फूड दोगे उतना अच्छा उनका हेल्थ और उतना अच्छा उनका कलरेशन होगा, कलर पिगमेंटेशन होगा। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द फिश। अब हम अगले एपिसोड में, हमारा जो अगला एपिसोड होगा एपिसोड नंबर 12, उस एपिसोड में हम देखेंगे कुछ जनरल केयर ऑफ द फिशेस और फिशेस सम डिजीज ऑफ द फिशेस एंड इट्स डिजीज। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है आप जानना चाहते हो, वो हमारे अगले एपिसोड में आने वाला है। सारी चीज़ को जानने के लिए, बने रहने के लिए, जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपको किस किस बारे में जानकारी पाना है वो हमें कमेंट में बताइए। हमारा ये सीरीज़ कैसा लग रहा है वो बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, हर हर महादेव।